हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिफरेंशिएशन। गाइज, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऑलरेडी AIEEE, IIT और NDA में पूछा जा चुका है। IIT 2007 और AIEEE 2011 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस है गाइज, वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्या कहा हुआ है आपको, d2x / dy2 की वैल्यू पूछी गई है किसके बराबर है इन ऑप्शंस में। तो आपको क्या करना है, पहले dy/dy2 dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके, dx/dy, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं गाइस। और इसी को अगर हम dy की जगह मान लीजिए हम dx लिखते हैं, और उस dx को कट करने के लिए एक बार dx यहाँ लिख देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड हमने लिख दिया है, और नीचे में dy जो था उसको यहाँ लिख देंगे और इसको ऐसे रहने देंगे। और इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे, फॉर एग्जांपल dy/dx लिखते हैं मान लीजिए, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे वहाँ पर। तो dy/dx इसको हमने dx कर दिया, और dx जो हमने यहाँ पे अपने मन से लाए उसको हमने ऊपर मिला दिया ताकि कट के कैंसिल हो जाए और dy आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो dy/dx की पावर -2 हो जाएगा और -1 आगे आ जाएगा। साथ ही में जो dx है वो एज इट इज़ रहेगा, और dy/dx का अलग से भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये d2y/dx2 बन जाएगा। और dx/dy को हम dy/dx की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, तो माइनस, और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग d2y/dx2, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो dy/dx की पावर आपका हो जाएगा -3। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस चीज़ को गाइज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।